आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इंग्लिश स्लम को। और इसका पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। पोएट इस पोएम में बता रहे हैं स्लम में रहने वाले गरीब बच्चे के बारे में, इन लोगों को कितना परेशानी फेस करना पड़ता है स्लम में रहने के कारण, यही बता रहे हैं इस पोएम में। पोएट स्टार्टिंग में बताते हैं स्लम में रहने वाले बच्चों का स्कूल अच्छी जगह पर नहीं रहते हैं, गंदे क्षेत्र में रहते हैं और इसका कारण ये सब बच्चे स्वच्छता से दूर रहते हैं और अच्छे वातावरण से भी दूर रहते हैं। उसके बाद पोएट यहाँ पे स्लम बच्चों की स्कूल की तुलना जंगल के उजड़े हुए पौधों से करते हैं जिसे देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। उसके बाद पोएट बता रहे हैं बच्चों के बारे में, ये बच्चा कंघी भी नहीं करते हैं जिसका कारण इनका बाल उजड़ा रहता है। उनमें से एक बच्चा बहुत पतला है जिसकी आंखों से साफ भूख झलक रहा है। क्लास में एक लंबी लड़की भी है जो कि बहुत ही चिंतित लग रही है। उसके बाद पोएट बताते हैं क्लासरूम में एक शेक्सपियर के चित्र लगे हुए रहते हैं जो कि चंदे में मिला हुआ रहता है और भी चित्र लगा हुआ रहता है उसके साथ, एक सुंदर घाटी का, उसके बगल में एक शहर और उसके ऊपर में आसमान और एक मानचित्र दिखा हुआ चित्र वहाँ पे होता है। और इसे पोएट देख के यहाँ पे बताते हैं इन बच्चों की दुनिया की सुंदरता इस शरण के अंदर लिपटा हुआ है, इन्हें क्या पता ये मानचित्र के बारे में।